दुष्टों का नाश होता है आज की रात, इनको नहीं ले जाओगे? सिर्फ परिवार वाले जाएंगे बड़ी अम्मा। अगर काव्या नहीं गई तो अपोजिशन वाले इसका फायदा उठाएंगे। आदि बेटा, पार्टी का समारोह है तो सबका जाना ठीक रहेगा। बात तो आपकी सही है पापा, सबका जाना जरूरी है। तो चले। तुम बीमार हो? नहीं। हाँ तुम हो? नहीं। काव्या तुम बीमार हो? हम बीमार नहीं। पापा हमारी बीवी आ नहीं पाएंगी, उसकी तबीयत खराब है। हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल बीमार नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं है, हर सनकी को ये लगता है कि वो ठीक है। घर पे रहो, आराम करो। चलिए पापा, बड़ी अम्मा। अब अनु भैया किधर है? वो जरूरी काम से गया, वहीं आ जाएगा। ठीक है, आराम करो। बैंक यार, बिजनेस का आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे भाई इसमें पैसे काफी लगेंगे। भाई तभी तो बोला कि कोई इन्वेस्टर हो तो बताओ, थोड़ा अर्जेंट है दोस्त। मैं समझ गया था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त से भी बात किया था। बस वो आ रहे होंगे। थैंक यू भाई। अरे भाई, उसमें थैंक यू की क्या बात है, ये है तुम्हारा बिजनेसमैन दोस्त। अरे अनुराग भाई, आइए आइए, कैसे हो आप? अरे हम बढ़िया हैं, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस आपकी दुआ है। नमस्ते, हम पहले भी मिले हैं। अरे सुनो यार, बात तो सुन लो, हमें भी बोलने का मौका दो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ आ रही है? हाँ ठीक है, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। बैठो, बैठ के भी बात हो सकती है। बैठो। बोलो। जी देखो, हम तुमसे पहले से मिलना चाहते थे, आदि के बड़े भाई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाचा जी और आदि की बात से सहमत हो जाएं। कौन सी बात से? हमारे पापा का ट्रांसफर करा दिया या फिर हमारे घर का पानी बंद करवा दिया? तुम सब एक नंबर के कमीने हो। चाचा जी का तबादला हो गया है? कब? नौकरी छोड़ दी उन्होंने। अरे यार चाचा जी, हमने नहीं सोचा था कि चाचा जी इतना गिर जाएंगे। बात बंद करो, तुम्हारी ये मीठी बातों में नहीं आने वाले। हमारा बस चले ना, सबको लाइन में खड़ा करके जूते से मारे। देखो यार मयंक भाई, हम समझ सकते हैं तुम्हारी परेशानी, हमें नहीं पता था, हमें तो अभी पता चला है यार, अभी की हमारी जो बहन की हत्या हुई है उसके पीछे ओमी का हाथ था, और अब देख रहे हैं कि ये दोनों बाप बेटा, ये अब दोनों मिल करके काव्या के पीछे पड़ गए। हमको पूरा यकीन है वो किसी इंसान का खून कर ही नहीं सकती है, लेकिन क्या करें, यहां अम्मा, चाचा जी, आदि, इन सब के सामने कौन बोल पाता है? इसलिए तो हम यहां आए हैं, चोरी चुपके तुम्हारी ये मदद करनी थी। मैं तुम्हारा कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपने पैसे। छोटे भाई जैसे हो तुम हमारे यार, ठंडे दिमाग से सोचो, भूल गए हो तुम्हारे सिवा अंकल और आंटी जी का कोई नहीं है, अंकल जी के पास जॉब नहीं है, इत्मीनान से सोचो, उसके बाद भी अगर दिल नहीं करे तो कोई बात नहीं, हमारा नंबर है तुम्हारे पास, हमको फोन करके हमें लौटा देना, समझे? भाई हैं हम तुम्हारे, रखो ये लेकर। हल्का भाभी, क्या हो गया, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो गया? दूर हो जाओ तुम, मत छुओ हमें काव्या। देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, ये अब बच्चे के लिए ठीक नहीं है। देखिए हम आपको हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। हाथ मत लगाओ। अलका भाभी बस, देखिए हम आपको अस्पताल लेके जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चे की जान का सवाल है, आपको जितनी नफरत करनी है ना हमसे आप कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त हम आपकी नहीं सुनने वाले। चलिए उठिए, थोड़ी सी हिम्मत करिए, आइए आइए, हमारे कंधे पे हाथ रखिए। भाभी कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और हम पहुंचने वाले हैं। लीजिए लीजिए पानी पीजिए।
अभी आपको पता है एक बार ना उमी भैया ने हमें बताया था कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था तब उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। भाभी याद करिए ना, आपको कैसे लगे थे पहली बार उमी भैया? वो कुछ बोल नहीं रहे थे। गाड़ी कैसे बंद हो गई? काव्या, कहाँ जा रही हो मैं छोड़ के? भाई साहब हमें एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, हम प्लीज आप हमें फोन देंगे अपना प्लीज? हेलो आदि, काव्या बोल रहे हैं। देखो प्लीज फोन मत काटना, ये बहुत अर्जेंट है, अलका भाभी लेबर में है, हमारी गाड़ी बंद होगी, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बच्चा कभी भी हो सकता है, हमें हेल्प चाहिए। काव्या अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। नहीं भाभी, भाभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, देखिए बहुत देर हो जाएगी, आपकी डिलीवरी हमें यही करानी पड़ेगी। नहीं काव्या, कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हम बचा लेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। भाभी हमारी तरफ देखिए, देखिए मम्मी भैया को नहीं बचा पाए, अब ये बच्चा उनकी आखिरी निशानी, इसे हम बचा लेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। क्यों सर, कुछ बात है क्या? तलाक होने वाला है क्या आप दोनों का? देखिए हम आपसे फिर दोबारा से विनती करते हैं कि आप हमारे घरेलू मामले में सवाल जो पूछने वो उचित नहीं है। अब हम आपको बताते हैं असलियत हुई क्या है। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, अब उसकी देखभाल जो है उसकी जेठानी पूरी तरह से नहीं कर पाएगी, तो एक मदद के लिए वो काव्या वहाँ रुक गई है, बस इतनी सी बात है। सर सच सच बताइए आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि आप सबको मनगढ़ंत कहानी बनाने का बहुत शौक है। आप सब क्यों बेकार में हमारी शादी तोड़वाना चाहते हैं? हम दोनों बहुत खुश हैं साथ में। हमने देखा आपका वीडियो, आपने ये सब कैसे किया मैम, डर नहीं लगा आपको? अरे डर क्यों लगेगा, हमारे पति हमारे साथ थे, जब ये साथ होते हैं ना तो हमें किसी बात से डर नहीं लगता। और वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ, जब हम दोनों ट्रेनिंग में साथ थे तब गांव में एक औरत की डिलीवरी हमने साथ में कराई थी। हम दोनों बेस्ट टीम है ना आदि? बिल्कुल द बेस्ट। हमारी बीवी जो भी करती है ना बेस्ट ही करती है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये किसी भी चीज से डरती नहीं है, डरना तो उनके दुश्मनों को है ना। मगर आपकी शादी के बारे में तो काफी अफवाहें फैल रही हैं आजकल। अरे वैसे वो अफवाहें हैं जिनका जवाब देने की जरूरत हमें नहीं है, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे रईस इंसान से भी ज्यादा लकी हम हैं, क्योंकि हमें आदि जैसा पति मिला है, बेस्ट हस्बैंड, और हमें यकीन है कि ये बेस्ट युवा नेता भी बनेंगे। आपको सच में लगता है कि ओमी की हत्या के पीछे काव्या का हाथ है? ये कैसा सवाल है? काव्या ने ओमी को धमकी दी थी, सुना नहीं था तुमने? उसको अकेले बुलाया था और उसके बाद ओमी मिला नहीं, उसकी लाश मिली। कौन मार सकता है ओमी को उसके अलावा? नहीं, हम बस इतना कहना चाहते थे कि ये बच्चा सिर्फ काव्या की देन है, नहीं तो ये बच्चा भी आशा जिंदा नहीं होता। मम्मी बकवास बंद करो तुम, ये बच्चा भगवान की देन है, काव्या की नहीं। कभी मत भूलो कि काव्या मेरी बेटी की खूनी है वो, और ये बात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आदि सर, काव्या मैडम, ये अवार्ड हम जर्नलिस्ट की तरफ से आप दोनों के लिए। थैंक यू।
अरे पापा जी, भाई साहब, बड़ी अम्मा आइए ना, साथ में फोटो लेते हैं। आई आइए आइए, से शर्माइए मत, और आप ना हमारे पास खड़ी होंगी। आई, तू यहाँ क्या कर रही है? देख नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ परिवार वाले आके चपक के खड़े हो गए हमारे साथ। चल हट यहाँ से। बड़ी अम्मा ही देखी, ये के आपने हॉस्पिटल में मिटवा के फेंकवा दिया था, और अब यही के यहाँ पे आके एक के साथ जुड़ गया है। और खुद देखिए, आप ऐसे जुड़ा है जैसे कोई अलग ही नहीं कर सकता। अगर इतना झूठा स्माइल दोगी ना, तो मुंह तुम्हारा फ्रीज हो जाएगा। हमारी स्माइल तो सच्ची है, तुम अपना देखो। ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाओगे ना, तो ऐसे ही वायरल हो जाओगे, और फिर पॉपुलैरिटी चार्ट। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, पर कल ना और भी मजा आएगा, जब छोटे उम्मीद के आने की खुशी में पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी होली मनाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज के कारनामे के बाद हम पुराना गुस्सा भूल जाएंगे, तो आई एम सॉरी, तुम गलत हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ख्याली खीर बनाना बंद करो। अगर बड़ी अम्मा ने कहा है कि उरी नहीं मनेगी, तो नहीं मनेगी। वैसे तुम्हें एक बात बताएं, ख्याली पुलाव होता है, खीर नहीं। पर हमें खीर का आइडिया अच्छा लगा, तो फिर होली की गुजिया और खीर दोनों बनेगी, क्योंकि जिद में तो हम किसी से कम है नहीं, और अगर हमने बोल दिया है कि होली मनेगी, तो मनेगी। कम ऑन हस्बैंड, छोटे उम्मीद के आने और बड़े उम्मीद की याद में इतना तो बनता है। ओए मैन, ये देख, होली पार्टी के लिए टिकट मिल रही है भाई। पागल हो गया क्या? होली कौन पैसे देकर मनाता है? ओ मेरे भाई, ये ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आएंगे, और तो और मुंबई और दिल्ली से सेलिब्रिटीज भी। और पता है तुझे कौन आने वाला है? शनाया खान, राजवीर कपूर। क्या टिकट कितने की है? बस 15,000। पर सोच, बिजनेस के लिए कितना फायदा होगा भाई, पार्टी की पार्टी भी हो जाएगी और नेटवर्किंग भी। भाई मेरे पास फालतू पैसे नहीं है बर्बाद करने को। अच्छा तो मेरे भाई, ये क्या है? अभी भी बोल रहा हूँ, अनुराग को हाँ बोल दे मयंक। एक बार हमारा बिजनेस चल पड़ा ना, तो कसम से कह रहा हूँ मयंक, ये छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी के आगे हाथ फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। नहीं यार, वो सही आदमी नहीं है। माना तेरा दोस्त है, पर उसने जो मेरे परिवार के साथ किया है, मैं वो भूल नहीं सकता। चल बाद में मिलते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.